चलिए दोस्तों, आज हम असेंबल कर रहे हैं जिमी जिप क्रेन, जो कि गोल्डन आई कंपनी की है। तो इसमें हमारे पास है 8 बूम, वीडियो में देखिए 8 बूम है, और यहाँ पे नंबर देखेंगे आप, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, तो इसी से पहचान होगी सीरियल से लगाने की। और इसमें आप इसका बूम का एक एंड देखेंगे, इस एंड पर डिज़ाइन इस तरह का शेप है इसका, तो ये वाला शेप इस दूसरे में फिट हो जाएगा। जैसे ये शेप है ना, ये इसमें फिट हो जाएगा। इस तरह से इसको, ये स्क्रू है, नट्स है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से करते हैं। तो शुरू करते हैं जिमी जिप क्रेन की असेंबलिंग। ये है इसका ट्राइपॉड, और इसी पे हम फिट करेंगे ये वाले बूम सारे। तो सबसे पहले इसको खोल के यहाँ से इसकी जो लेग्स है उनको फैला कर, यहाँ से एक नट है, चूड़ी है, उसको लूज करके इसको नीचे करके और यहाँ पे वापस लगा देंगे, तो इस तरह से सेट हो जाएगा। और सबसे पहले जो इसका टॉप है ट्राइपॉड का, इस टॉप पर 2 नंबर का बूम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके एक और अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट लगेगा जिस पर बूम घूमता है। ये है स्टैंड के ऊपर सेट होने वाला पार्ट, तो हम इसको लगा के बताते हैं किस तरह से लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे, ये ये जो आप देख रहे हैं इनको हम एडजस्ट करके इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ पे स्पेस लगाएंगे तो इनको पहले अंदर की तरफ कर देंगे ताकि ये टाइट ना हो, और फिर इसको ऐसे रख कर, और ये जो रोड है छोटी सी, इसको वापस से इस होल में डालेंगे, ये इसमें सेट हुआ है। अब इधर से इसको, ये आ गया इसका एज इधर, अब इसके यहाँ नट लगा देंगे। तो इस तरीके से ये स्टैंड पर ये वाला पार्ट है इसका, तो हमने इसे रोड, छोटी सी रोड है, उसको निकाल के वापस इसमें लगा के और नट से इसको टाइट कर दिया है। इस तरह से देखिए, ये दोनों जो है इनको, जैसे आपका अगर प्रॉपर बैलेंस करना है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हम तो इस हिसाब से हमने इसको अपन खोल के और लूज करके कैसे इसका बैलेंसिंग सीधा, बिल्कुल क्रेन सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं होगी क्रेन तो एक तरफ झुकती हुई जाएगी और अपने आप घूमती रहेगी, तो वो ठीक नहीं रहेगी। तो इसका बैलेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें आप क्या करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये इस रोड को आप खोलेंगे इस तरीके से, तो आप एलन की यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसको खोल कर और ये वाड़ी, इस तरह से खोल के इसकी इस रोड को निकाल लेंगे। और हम हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा राइट हैंड में होना चाहिए। तो अगर ये वाला हिस्सा अगर राइट में रखते हैं तो फिर अपना जो सबसे लास्ट का 8 नंबर है वो सबसे लास्ट में होगा, और 8 नंबर पे ही कैमरा लगता है। तो यहाँ से 2 नंबर लगेगा सबसे पहले, फिर 3, 4, 5, 7, 8, और 1 नंबर सबसे पीछे बूम जो आएगा, 1 नंबर बूम सबसे पीछे रह जाएगा। तो अब 2 नंबर का बूम लेकर आते हैं, के दोनों एंड हैं, ये इस तरफ से, ये इसको, ये मेल है और ये फीमेल है, तो इस फीमेल पे ये वाला इस टाइप का इस जो नट है, और ये वाला है जो मेल है इसमें इस तरह का है। तो ये जब इसमें डालेंगे, और इसके आप इधर देखें एक स्क्रू इधर है, तो इन दोनों से ही इसकी इसको टाइट कर दिया जाएंगे, इसमें फिट कर दिया जाएगा एक दूसरे को, इसमें बूम को डालकर। तो
ये देख लीजिए, बहुत इजी है। और ये इधर वाला स्क्रू हम इधर से कस देंगे। और ये वाला स्क्रू इस तरह से लग कर, अब एलंकी की हेल्प यूज लेते हुए, एलंकी को यूज लेते हुए इसको टाइट कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसको भी बिल्कुल बढ़िया इस तरह से हम पूरे बूम इसी तरीके से एक दूसरे से अटैच करके पूरी क्रेन का जो है बूम को बहुत ही 36 फीट लंबी हो जाएगी। हमने एक स्टैंड बना रखा है, इसके ऊपर एक तरफ तो वो ट्राईपोर्ट पे वहाँ क्रेन की रहेगी, और एक तरफ हम इस दूसरा जो मुंह है क्रेन का, इसका वो मेथड है। ये छोटी रोड है, इसे इस तरह से हम लगाएंगे और इधर से स्क्रू। टाइट हो गई, इसको अच्छे से कस दिया गया है। अब ये देखिए, अब इसमें और इसमें एक चीज़, जिस तरह से मैंने बताया था कि ये वाला हिस्सा उस आप स्टैंड में देख रहे थे, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल उससे मैच होना चाहिए। उसके भी इधर है और इसके इधर है, और इसमें एक वायर है जो इनके ऊपर से जाता है, ये वाला। हाँ, ये देखिए, तो ये इसके साथ फिक्स है। और उसी तरह उस, तो ये हमने यहाँ से इस लगा दिया है। तो इसका काम क्या है कि ये इसको सीधा रखेगा ऐसे, ये देखिए। और ये तीन बड़े सस्पेंशन वायर हैं जो 8 नंबर में ऐसे हुक्स बने हुए हैं, इन हुक्स में लग जाएंगे। उसी तरह से ये तीनों सस्पेंशन वायर आप देखेंगे, एक नंबर से आ रहे हैं तीनों सस्पेंशन वायर और 8 नंबर में जा रहे हैं। तो साइड वाला जो राइट वाला है राइट में, वो आगे, और ये ऊपर वाला सेम पोजीशन उनकी करनी है। और एक और एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पे एक नंबर में है, ये छोटा है। और इसमें एक और मीडियम साइज की सस्पेंशन वायर है, इसको अटैच करके 5 नंबर बूम में लगा दिया है। ये देखिए, ये 5 नंबर बूम है, आपको दिख रहा होगा 5 नंबर लिखा हुआ भी है। तो ये भी, तो इस तरह से तीन सस्पेंशन वायर जो सबसे बड़े हैं वो पहले 1 नंबर और 8 नंबर में जा रहे हैं, और उसके बाद में एक सबसे छोटा है वो 1 नंबर में, और फिर मीडियम है वो 5 नंबर में। इस तरह से ये सस्पेंशन वायर हो गई। ये तीन रोड है, इनके ऊपर ये टॉप में ये इस तरह से कुछ लग रहा है, इसकी जो शेप है आप देखिए। और ये इसका जो नट है, इसको कम ज़्यादा करके सस्पेंशन वायर का जो, इसको ठीक कर, मतलब कि बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी, इसको देखिए इस तरह से लगा लेना है इसके ऊपर, ये इस तरह से सेट हो गई ना, देखिए इस ऐसे आई और वहाँ से चली गई। और ये कर रहे हैं, ये टाइट ही रहनी चाहिए, थोड़ी सी आपको बिल्कुल टाइट रहनी चाहिए। अगर ये लूज रही तो आपकी क्रेन का बैलेंस सही नहीं रहेगा, और नीचे झुकाव रहेगा इसका तो ठीक नहीं रहेगी। और ये वाला ऊपर वाला एंड है वो, और ये फिर एक और था वो। तो इस तरह से दो सस्पेंशन वायर ऊपर टॉप में,
एक राइट का और एक लेफ्ट का, बिल्कुल सेट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें एक रॉड है, स्टील रॉड, जिसपे जो लोहे की प्लेट है बैलेंस क्रेन को उठाने के लिए, तो रॉड की रॉड लाई जाए, ये वाली रॉड इसमें डाल दे, दोनों तरफ इक्वल। अब इसमें आप लोहे की जो प्लेटें हैं वो इसमें लगा दी जाती है। ये है इसका मेन वायर, जिसमें आप, इसमें तीन मोटर लगती है, तीन मोटर और वीडियो सिग्नल, ये काफ़ी कॉस्टली आती है, और इसको इस तरह से लगाना है। मैं उधर जा रहा हूँ। इसका एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा, आप थोड़ा सा इसका बाहर रखेंगे और इसको फिर ये जो इनसे इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और इस तरीके से हमारे पास ये बहुत सारे हैं, तो हर एक एंड पे, जो हर जॉइंट पे हमने इसको यहाँ इस तरह से लगा दिया है। अब ये केबल यहाँ फिक्स रहेगी, हिलेगी नहीं, गिरेगी नहीं। तो ये हम हमेशा इस जॉइंट के यहाँ लगाते हैं, ताकि ऊपर हो तो ये नीचे खिसक के ना जाए, ये भी एक देखने की चीज़ है। केबल भी हमने पूरी यहाँ पे सेट कर दी है, और ये बचा हुआ लास्ट एंड है वो कंट्रोलर में जाएगा। ये हेड के पार्ट हैं, थ्री एक्सिस हेड है ये, या टिल्ट पैन, तीन तरह की मोटर्स में लगती है। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये वाला एक छेद आता है इसमें, ये थोड़ा इस पोजीशन में रहना चाहिए। इसको इस तरह से पोजीशन करना है कि ये जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल। ये मोटर है, इसमें ये लीवर है, लीवर को लूज करेंगे, और इसके गियर हैं, और इधर इससे मैच करके देखिए, ये दोनों जो गियर है, एक तो मोटर का, एक पीतल का मेटल, और ये वाला, इनको बिल्कुल टच हो जाना चाहिए, ना ये ज़्यादा नीचे होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंसिंग। तो इसको दबाते हुए इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, तो ये मोटर यहाँ सेट हो गई है। अब नेक्स्ट मोटर, तो ये वाला इस तरह से इसको खोलना है, खोलते ये हो जाएगा अलग, ये अलग हो गया, ये दोनों पार्ट। अब क्या करना है, ये वाला जो हेड का पार्ट है, इसको किस पोजीशन में रखना है। ये वाला जो पैड लग रहे हैं इस पे, देखिए ये तो नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा आएगा, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे कैमरा आता है, यहाँ पैड लगा हुआ है, और ये वाला हिस्सा इसमें, ये वाली जिसमें को डाला, और इधर से वापस से इसको कस दिया गया है, और इसको बहुत ही अच्छे से। और इसमें हमें देखने वाली बात है, थोड़ा सा इस पर दो अंगुल का अपने को, थोड़ा सा मतलब एक सवा इंच का अपने को, इसमें एक सवा इंच का गैप रख के, और फिर इसको टाइट करना है। तो इस तरह से ये मोटर यहाँ लगा दी है,
तो एक मोटर यहाँ है, एक मोटर यहाँ है और एक मोटर यहाँ। ये वाली मोटर गियर से गियर मैच करेंगे और जब मैच हो जाए, तो जब ये दोनों गियर मैच हो गए तो यहाँ से लीवर को घुमा के इसको मोटर को टाइट कर दिया जाता है। जैसे आपका हेड क्रेन के बूम से सेट हो चुका है। अब इसमें हेड की वायरिंग, तो ये वाला जो हमने वायर बिछाया था इसका एक एंड है ये वाला है, और हेड का जो वायर है उसमें आप देखेंगे तो तीन पिन तो इस तरह की आएगी, ये तो मोटर की पावर में जाती है, और एक सेंसर का आएगा और एक एक एज है वो इस तरह से है, तो वो इसमें लग जाएगा। और ये देखेंगे आप, ये एक, ये हमने जो सेंसर है रिमोट का, कैमरे के रिमोट का सेंसर है जो कैमरे के पास में यहाँ सेट कर दिया जाता है, तो दूर बैठे ही कैमरा वर्क करता रहता है। तो दो मुंह, इस तरह के दो मुंह हैं, दो पिने इसके ऊपर से डालनी है। तो इस छेद में एक तो सेंसर का वायर जाएगा और दो मोटर का पिने जाएगी, और एक मोटर बाहर की बाहर ही सेट होगी, क्योंकि ऊपर वाली मोटर का है ना, उसमें बाहर से ही इसको पावर लगाया जाएगा। जो सबसे छोटी पिन है डोरी, उसको ऊपर वाली मोटर में लगाया है, इस तरीके से लग गई। और सेकंड नंबर की जो लेंथ में मोटर है वो यहाँ पर यहाँ सेट होगी, इसको इधर सेट कर दिया गया है। अब सबसे लंबी मोटर है का जो वायर था उसको इधर से मैं दिखाता हूँ, हाँ इस साइड से इसको बाहर निकालेंगे, और जब वो उधर आ गई, अब मोटर यहाँ मोटर में, तो इस तरह से मोटर के तीनों वायर हो गए। सबसे छोटा वायर यहाँ, सेकंड नंबर का जो बड़ा है वो, सबसे बड़ा वायर इधर से निकल के बाहर की तरफ होते हैं। तो पूरी वायरिंग हो चुकी है इसमें। ये एक वायर जो आप देख रहे हैं ये कैमरे में वीडियो आउटपुट इनपुट लेने के लिए, तो ये कैमरे में लग जाएगा। इस तरह से हमारी क्रेन असेंबल हो गई। ये है क्रेन का कंसोल, और इसकी वायरिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे। क्रेन से जो वायर आ रहा था उसकी एक पिन यहाँ लग गई मोटी वाली, और वीडियो वीडियो का जो इनपुट है कैमरे का ऊपर से वो इसमें लगेगा, और आउटपुट ये तीन पिन है, तो इस कंसोल में तीन आउटपुट हैं और एक इनपुट है। यहाँ पे कंसोल का पावर है, नीचे पावर बोर्ड में जा रहा है, इस तरीके से इसकी वायरिंग होगी। और यहाँ से हमने एक वीडियो आउट लेकर यहाँ स्प्लिटर में लगा दिया इनपुट, और यहाँ से प्लाज्मा टीवी में आउटपुट दे दिया गया है। इस तरह से आप इसका कनेक्शन करेंगे।